चलो फ्रेंड्स, तो भाई अगर आप भी अपनी स्नैपचैट का पासवर्ड भूल गए हैं, आपको नहीं मिल रहा है ना, आप जो है इसको फॉरगेट पर कर पा रहे हैं ना, आपके याद है, आप मतलब अपनी स्नैपचैट को लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्नैपचैट जो है ना भाई एक फेमस एप्लीकेशन है, उस पर जो है ना बहुत लोग जो है फिल्टर का यूज़ करते हैं, उस पर इतने कमाल कमाल के फिल्टर आते हैं कि उनसे जो है अपना फोटो जो है हाई क्वालिटी में भी बना सकते हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर लोग जो है स्नैपचैट का यूज़ करते हैं। और आप उसका पासवर्ड भूल गए, आपको नहीं मिल रहा है कैसे उसको लॉगिन करनी है, कहाँ पासवर्ड है वो आपको नहीं मिल रहा, तो इस वीडियो में यही सेटिंग बताऊँगा कैसे आप जो है अपने स्नैपचैट का पासवर्ड जो है अपने मोबाइल में देख सकते हो। देखिए स्नैपचैट है, तो इस तरह से आपको कैसे लॉगिन करना है, कैसे पासवर्ड देखना है, तो देखिए आपको आपके मोबाइल में बता दूंगा, आपको दो तरीके से बताऊंगा। अगर पहले तरीके से नहीं मिलता तो दूसरा तरीके से 100% आपको आपके स्नैपचैट का पासवर्ड आपके मोबाइल में मिल जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप भाई अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। तो देखिए आपको क्या करना है, तो देखिए पहली सेटिंग क्या है, पहले आपको कैसे ट्राई करना है कि मेरा पासवर्ड मुझे दिख जाए। तो देखिए आपको क्या करना है, आप आ जाओ अपने मोबाइल की मेन सेटिंग में। मेन सेटिंग में आने के बाद आप जो मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ उसको आप जीमेल से भी कर सकते हैं, जीमेल से ही करते हैं, थोड़ा सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर आ जाते हैं जीमेल वाले सेक्शन पर, ये रहा सबसे ऊपर जीमेल, तो इसी पर आ जाते हैं हम। यहाँ से जैसे ये जीमेल है ना, ऐसे ही आपको फोन में शो होगा, तो इसी पर आ जाओ। इसी पर आने के बाद अपना जो है जीमेल आईडी, ऊपर आपका प्रोफाइल आइकन शो हो रहा होगा आपकी जीमेल आईडी का, तो इसी पर क्लिक कर दो, आपकी जीमेल आईडी शो हो जाएगी। फिर आप आ जाओ यहाँ पर भाई मैनेज योर गूगल अकाउंट्स, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा, तो यहाँ पर थोड़ा लेफ्ट में स्क्रॉल करो तो यहाँ पर एक ऑप्शन शो होगा आपको, ये देखिए सिक्योरिटी का, तो आप सिक्योरिटी में आ जाओ। जैसे ही सिक्योरिटी में आओगे तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखाई देगा पासवर्ड मैनेजर का। ऐसे हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो एक देखिए ये रहा पासवर्ड मैनेजर, और इसने भाई यहाँ पर 6 पासवर्ड हमारे यहाँ पर जो है सेव करके रखे हैं, तो आपके भी यहाँ पर आपका पासवर्ड आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो दूसरे तरीके से, तो 100% आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा। तो आ जाओ यहीं पर पासवर्ड मैनेजर में, आप यहाँ पर आओगे तो देखिए यहाँ पर जितने भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड एप्लीकेशन है सबका पासवर्ड इसने स्टोर करके रखा अपने अंदर मोबाइल ने, तो आपका जो है स्नैपचैट का भी यहीं मिल जाएगा, ये रहा सबसे नीचे स्नैपचैट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अपना जो है स्क्रीन का लॉक दे दो, पासवर्ड होगा, फिंगरप्रिंट होगा, जो भी होगा, ऐसे इस पर करते हैं। ये देखिए फिंगरप्रिंट का आ गया, ये मैंने दे दिया। अब आ गया ये वाला सेक्शन, यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा यूजर नेम, ये रहा हमारा पासवर्ड, और अगर हम इस आई के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा पासवर्ड हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो मुझे शो हो जाएगा, पर आपको नहीं होगा क्योंकि स्क्रीन यहाँ पर ब्लैक हो जाएगी। पर यहाँ से आपको जो है इसको पासवर्ड को ऐसे यहाँ से कॉपी कर लेना है या कहीं नोट कर लेना है, तो आप जो है यहाँ से आपका पासवर्ड आपको मिल जाएगा। एक बार आपको दिखा देता हूँ, आई के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो मुझे दिख जाएगा, पर आपको नहीं होगा। देखिए मैंने कर दिया, वो देखिए वहाँ पर जो है ब्लैक हो गई होगी डिस्प्ले। इस तरह से जो है आप यहाँ से अपने स्नैपचैट का पासवर्ड देख सकते हैं, फिर अपनी स्नैपचैट को लॉगिन कर सकते हैं। अब देखिए जिन बंदों को यहाँ से नहीं मिला है भाई अपनी स्नैपचैट का पासवर्ड, तो अब देखें उनको क्या करना है, वो आ जाओ अपने मोबाइल की भाई मेन सेटिंग में, सॉरी अपनी जो है स्नैपचैट की मेन सेटिंग में। जैसे ही स्नैपचैट पर आओगे, जैसे हम यहाँ पर आ गए, कुछ ऐसा इंटरफेस आया, तो यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप जो है अपने प्रोफाइल के आइकन पर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद आपको एक चीज़ करनी है भाई, यहाँ पर अपना जो है यूज़र नेम आप जो एक बार देख लो, ध्यान रखना है यूज़र नेम आगे काम आने वाला है। फिर आ जाओ टॉप राइट कॉर्नर में सेटिंग में, सेटिंग में आओगे थोड़ा नीचे आओगे तो यहीं पर एक सेक्शन मिलेगा पासवर्ड का, तो ये आपको यहीं पर आना है। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप अपना करंट पासवर्ड डाल दो, पर आपके याद तो आपका पासवर्ड ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, कैसे हमें नया पासवर्ड चलेगा पता, कैसे हम अपनी स्नैपचैट को लॉगिन कर पाएंगे। तो देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर अगर आपका पासवर्ड नहीं मिलता है तो नीचे मिलता है फॉरगेट योर पासवर्ड, ये देखिए ये सेक्शन मिलता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, वाया फ़ोन वाया ईमेल। तो सिंपल तरीका है फ़ोन से कर लेते हैं एक बार, ये देखिए रिकवर, यहाँ पर फ़ोन पर क्लिक कर दो, तो हमारे फ़ोन नंबर पर जो हमारा फ़ोन नंबर है ये देखिए, इस फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा, यहाँ पर कर देते हैं वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के बाद एक OTP आएगा, वो OTP ऑटोमेटिकली ये फ़ोन हमारा डिटेक्ट कर लेगा, इसमें जो है ये डल जाएगा। देखिए डल गया, डलने के बाद इसने अगला नेक्स्ट स्टेप हमें जो है दिखा दिया। तो अब आप क्या करो, अब आप यहाँ पर अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर लो। देखिए ऐसे नया पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं हम, देखिए जो भी आपको करना है मैं अभी करके दिखा रहा हूँ आपको, आपको भी जो है अपना नया पासवर्ड यहाँ से क्रिएट कर लेना है। देखिए मैं एक बार कर देता हूँ, तो देखिए भाई यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया। आपको भी ऐसे ही अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है जो आप याद रख सकते हो ऐसा, और यहाँ पर कर दो भाई सेव पर। तो यहाँ पर अब देखिए आपको अगर पहले तरीके से नहीं पासवर्ड मिला तो यहाँ से आपका पासवर्ड जो है ये देखिए अपडेट हो चुका है, मतलब आपने अभी अभी बनाया, तो आपके ऑब्वियसली आपके आपका पासवर्ड आपके याद हो गया होगा। तो इस तरीके से आप अपना जो है स्नैपचैट का पासवर्ड जो है देख सकते हैं, बना सकते हैं, और जिससे जो है आप अपने स्नैपचैट को लॉगिन कर सकते हो। तो भाई यही जानकारी थी, अगर ये आपको पासवर्ड पता चल गया हो, वीडियो से जानकारी मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।